मैं जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पे जाओ। इसका हमला देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो आज सुबह ही कॉल आ गई थी कि किसी के घर पे सांप घुसा है। अच्छा, बच्चा कहाँ पे है इस वक्त? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में कितने बजे की बात है? ये कब काटा था? 7:30 बजे की बात है। हाँ, 7 बजे की बात है, शाम के, कल शाम के। कल शाम का काटा हुआ है बच्चे को। हालात ये हैं कि यहाँ पे एक छोटे से बच्चे को सांप ने काट दिया है। उस बच्चे को हालांकि इन्होंने समझदारी की है, उस बच्चे को तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, बट इस रूम की तरफ आ गई है। हाँ जी, ये देखिए, यहाँ पे मेरे भाई यहाँ मशक्कत करने में लगे पड़े हैं और इन्होंने सांप अभी भी इस रूम के अंदर देखा है। तो प्रदीप जिन्होंने मुझे कॉल की थी, प्रदीप ये कब देखा था आपने? ये जैसे हम बच्चे को काटा ना, बच्चे को कितने बजे काटा था? बच्चे को कोई शाम 7 बजे करीब। अच्छा, मतलब कल शाम का वाक्य है। 7 बजे तो हम उसको लेके चले गए हॉस्पिटल। अच्छा, जब उसका ट्रीटमेंट कराया वहाँ, तो वो बोल रहे हैं कि सांप आपने देखा, तो इधर आपको हॉस्पिटल। अभी बच्चा था, अभी जम्मू शालामार। देखिए, शालामार में ऑब्वियस बात है कि सांप वेनमस ही होगा, तभी अखनूर हॉस्पिटल से उसे शिफ्ट कर दिया गया है जम्मू शालामार में। तो अभी देखे हैं, यहाँ पे हालात थोड़े से दुर्गम है, बट देखें इस पेटी वगैरह को पीछे करने के बाद देखते हैं कि सांप कौन सा है, और साथ में अपडेट लेते रहेंगे कि बच्चे की हालत क्या है। हेलो, देखिए, ये आपको दिखा दूं, ये कोबरा है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यही सांप बच्चे को काट गया है। तो बच्चे की हालत जो है वो अभी थोड़ी नाजुक है, क्योंकि जम्मू उसको शिफ्ट कर दिया गया है शालामार में। तो अब हम इस सांप को यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा मकसद इन सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू है। इन सांपों को बचाना भी जरूरी है, बट हालात मुश्किल हो जाते हैं, इंसान के मन में गुस्सा आ ही जाता है। तो थोड़ा पास आ जाओ, नहीं है कोई बात नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सांप ने एक छोटे से 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को काट लिया है, और उस बच्चे की हालत नाजुक है। हालांकि इन्होंने समझदारी की है, पहले अखनूर हॉस्पिटल, और अखनूर हॉस्पिटल वालों ने उसे शिफ्ट कर दिया है जम्मू हॉस्पिटल शालामार में। तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी था, और इन्होंने उस बच्चे को समय रहते हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो ये देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूँ, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो कि 40 मिनट का समय देता है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, नाग, फिटार और साइंटिफिकली नाजा के नाम से जाना जाने वाला ये सांप। इस सांप की कोशिश यही है, हालांकि ये सांप अभी गुस्से में है। देखिए, जब सांप को कहीं ना कहीं किसी लोकेशन से बाहर निकाला जाता है, तो सांप का गुस्सा जो है वो ऑब्वियस होता है, और इस सांप में भी काफ़ी गुस्सा है। तो ये जो सपेरे आप हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि सांप बीन की धुन पे नाच रहा है, ऐसा कतई नहीं होता। सांप के कान नहीं होते, और सांप जो है सांप के कान नहीं होते, और सांप जो है वो चीज़ की डायरेक्शन पे मूव करता है। ये देखिए, जिस तरफ से ये कपड़ा मैं ये लेके जा रहा हूँ, ये सांप उसी तरफ अपने आप को मूव कर रहा है। ये देखिए, और इस सांप के गुस्से का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, इसकी हाइट देखिए और इसकी लंबाई देखिए, और कितना इसने अपने आप को उठा लिया है, और इसका हमला देखिए। ये देखिए, गुस्से का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, आप ये देखिए, ये सांप के गुस्से का अंदाजा ही देखिए कि ये अभी भी
काटने की फिराक में है, कहीं ना कहीं भागने की फिराक में है। तो गनीमत ये है कि इन सांपों ने, इन हमारे इन भाइयों ने, प्रदीप जी ने, बाकी वालों ने इस सांप पे नज़र रखी थी कि सांप यहीं पे है। सांप ने हालांकि कोशिश की होगी दो तीन बार बाहर निकलने की, बट सांप जो है, इन्होंने सांप पे नज़र रखी और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम उस पेटी को उठाते ही, अलमीरा को उठाते ही हमें ये सांप दिख गया और हमने इसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अब हम इस सांप को पैक करते हैं और इसको उसके उचित वातावरण में रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये देखिए सुरक्षित सा तरीका इसको पैक करने का। तो पास ले देखिए, इस सांप के गुस्से का अभी भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी डिब्बे के बीच में भी ये फुफकारे जा रहे हैं। ये देखिए, हेलो, अजय फड़ लिया कोबरा ही है। मेरी गल कराओ ना, कहने का डॉक्टर कहने का नहीं, मेरी गल कराओ। तो कुछ बड़ा डॉक्टर होना कोई आता है? कोई भी है डॉक्टर, कोई एक गत्ते का पीस देना यार, छोटा सा गत्ते का पीस देना, थोड़ा गत्ते का पीस। गत्ता दे खाली, ओ दे डब्बे पे गत्ता दे पास ले। बाकी मैं दी फोटो ये देखिए, ये फोन आन के धरना। ये देखिए आप इस सांप के गुस्से का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि डिब्बे के बीच में भी इस सांप की हलचल जारी है और सांप कहीं ना कहीं अभी भी टिक कर बैठने की फिराक में नहीं है। तो अब हम इस सांप को रेस्क्यू कर चुके हैं, अब हम इसको पैक करते हैं क्योंकि जी बात करनी है। हेलो, आइए तो ये देखिए, ये देखिए तो सामने आ जाइए। ये क्या, ठीक है सर, छड़ी ने ऐसी बाहर कटी। तो मैं उस बच्चे के लिए, मेरे मन में अभी भी तड़प आ रही है कि वो, मैं अपने इष्ट देव श्री महाकालेश्वर से अभी भी यही प्रार्थना करूंगा कि वो बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक होकर वापस अपने घर में आ जाए और वापस अपनी जो जिंदगी है उसे जीना शुरू कर दे, क्योंकि हालात मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ पे माँ जी हैं, इस तरफ कैमरा कर दीजिए। माँ जी, ये आपने मतलब जल्दी वो नहीं किया, मतलब कितने बजे देखा था ये सांप को आपने? उंगली पीछे कर, अच्छा आप घर पे नहीं थे? नहीं ऐसे। अच्छा मैं घर से ले सी, मैं 8 दिन हो गए करम गई है, पर से तब से मैं आपके लख ले के सोई है बच्चे। मैं जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पे जाओ ते चाहे फंडा कराओ फोन, ये मिनट में मैं घर लेट नहीं करो आनी, मैं दिखनी है सबको, मैं सु गड्डी बैठी फोन कर रही। देखिए यहाँ पे पहली बात इनकी बहुत अच्छी है कि हॉस्पिटल पहुँचाओ। देखिए हॉस्पिटल ही जो है वो, देखिए ये जहरीला सांप है हमारे यहाँ पे, हॉस्पिटल लेते लेते इधर से मतलब कि लड़का बेहोश हो गया था, बेहोश हो गया था, देखिए जाते 15-20 मिनट के अंदर। अच्छा तो देखिए मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे 16-17 के करीब प्रजातियाँ जो है, जो मैंने आज तक रेस्क्यू की हैं, उसमें से 3 प्रजातियाँ जो है वो वेनमस हैं, रसस वाइपर, इंडियन कॉमन क्लैट और कोबरा। इसके अलावा 13-14 के करीब ऐसी प्रजातियाँ जो कि टोटली नॉन वेनमस हैं, जिनमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता, वहाँ पे झाड़ फूक काम करता है। जहरीले सांप के काटने के बाद कोई झाड़ फूक जो है वो काम नहीं करता है। तो मैं, इन्होंने समझदारी की कि बच्चे को हॉस्पिटल पहुँचा दिया है, तो मैं अपने इष्टदेव से यही प्रार्थना करूँगा कि बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक होकर वापस अपने घर में आ जाए। तो कोशिश करेंगे कि आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे और बच्चे का जो अपडेट है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से या फिर बाद में भी आपको देने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बच्चा ठीक हो जाएगा माँ जी, नहीं चिंता करो। तो देखिए मन करुणा से भर आता है, मन में रुदन हो जाता है जब हम ऐसे वाक्यात अपने आसपास देखते हैं। तो फिर भी मैं ये धन्यवादी हूँ इस परिवार का कि आपने
गुस्सा होने के बावजूद, देखिए बच्चे को काटने के बावजूद इस परिवार की कोशिश ये थी कि इस सांप को बचा लिया जाए। अभी भी जब हम ये रेस्क्यू कर रहे थे तो प्रदीप भाई जी ये कह रहे थे कि देखिए पेटी के नीचे वो दबकर मर ना जाए। तो देखिए अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं और इसी सरजमीन मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए एक बच्चे को एक सांप ने काट लिया, उसके बावजूद इस सांप की जान बचाने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है आपका। तो मेरा संदेश वही है, अपने अपने घरों में साफ़ सफाई रखें, ब्लैक फिनाइल का उपयोग करें, बच्चों को अवेयर करें। तो इस रूम में सफाई करवाइए बिल्कुल। देखिए बहुत गंदगी है, चूहे वगैरह अंदर घुसते हैं, तो सांप जो है चूहों के पीछे ही या मेंढक के पीछे ही हमारे कमरों में घुसता है। तो इन सब बातों के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे बोले बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।